काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया और अपना शोध पत्र वाचन किया वहाँ, और मैंने वहाँ पर एक भविष्यवाणी भी की कि 2015 ईस्वी में अप्रैल के महीने में भूकंप आएगी जिसकी अवधि ये होगी। और मैं जब वहाँ अपना शोध पत्र पढ़ा उस समय में भी आगे की भविष्यवाणी मैंने की कि अमुक समय में भूकंप आने का योग दिखता है, उस समय में भी भूकंप आया और मैंने अपने फेसबुक वाल पे लिखा और उसका केंद्र भी मैंने बताया। जितने बार मैंने भूकंप की पूर्वानुमान की तो वो उसका केंद्र कहाँ होगा इसका भी निर्धारण किया ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। इस बार भी मैंने किया कि 18 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल के बीच भूकंप की संभावना है और इसका केंद्र पूर्वोत्तर होगा, और पूर्वोत्तर ही केंद्र हुआ। इन आचार्यों के वचनों के आधार पर इन प्राकृतिक आपदाओं को पूर्व में ही जाना जा सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य राजनल झा जी हैं, हम बात करेंगे, बात है इस विषय पर जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा। इनसे बात हुई थी हमारी और इनसे बात ही नहीं हुई थी, इन्होंने आज पीसी किया, इस पीसी के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातों को रखा। इसमें यह कहा गया है जो इन्होंने भूकंप का पूर्व में ही अनुमान लगा दिया था, जो भूकंप आने वाला है मार्च और अप्रैल के महीने के फर्स्ट वीक, मार्च और अप्रैल के मध्य में जो है भूकंप आने वाला है, और देखने को मिला ताइवान में भी और हिमाचल में भी भूकंप आया। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ राजनाथ राजी हैं, कैसे इस बात का जो आप जानकारी लगाते हो वो कैसे, और इस भूकंप तो आया सच में आया, आपने फेसबुक पोस्ट पर किया था, आज आपने प्रेस वार्ता भी की, तमाम चैनल भी आए, आपसे बातचीत भी हुई, आप ये बताइए जो भूकंप कैसे आप ये कह सकते हैं, जो भूकंप का अनुमान आप लगा लेंगे सरकार इसे लोगों को जागरूक कर पाएगी। दरअसल देखिए, हम इस विषय पे 2015 ईस्वी से कार्यरत हैं। हम लोग जब आचार्य कक्षा में पढ़ते थे तो बरामीर का एक ग्रंथ है बृहत संहिता, जिसमें एक अध्याय ही भूकंप अध्याय है, एक अध्याय पूरा एक चैप्टर जो है भूकंप के विषय में हम लोगों को एमए कक्षा में पढ़ाई जाती थी आचार्य कक्षा में। तो 2015 ईस्वी में मुझे एक पत्र आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और उसमें आया कि वो सेमिनार का विषय था प्राकृतिक आपदा और ज्योतिष, और उस समय मैं महावीर मंदिर में कार्यरत था और मुझे लगा कि मैं इसमें नवीनता क्या कर सकता हूँ। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं तो भूकंपाध्याय पढ़ा हूँ, क्या भूकंप को देखा जा सकता है ज्योतिष गणना के अनुसार, और मैंने देखने का प्रयास किया और लगभग 1934 से लगभग जितने भूकंप हुए सब भूकंपों का मैंने ग्रह गोचरी स्थिति देखने का प्रयास किया, और उस ग्रह स्थिति देखने से मुझे ज्ञात हुआ कि शास्त्रकार जो बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वैसी परिस्थितियां भूकंप के समय में घटित होती है। और इन विषयों को लेकर के मैं 2015 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया और अपना शोध पत्र वाचन किया वहाँ, और मैंने वहाँ पर एक भविष्यवाणी भी की कि 2015 ईस्वी में अप्रैल के महीने में भूकंप आएगी जिसकी अवधि ये होगी, निजगुत एक तिथि तक नहीं एक समय तक 15 ईस्वी में। तो उस समय में जब आए तो यहाँ 15 ईस्वी में भूकंप आई, भूकंप जब हुआ तो जो एक पत्रकार बंधु थे जो उनसे मेरा बात हो रहा था तो बोले कि राजनाथ जी इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इतने मतलब अगर नहीं आया तो फिर ये एक अफवाह जैसा होगा। जब भूकंप आई तो उन्होंने हमसे पूछना शुरू किया, फिर आगे कब कब भूकंप आएगी मैंने उनको बताया और वो अखबारों में प्रकाशित होता गया और उस दिन में भूकंप आई। फिर बात हुई 2016 ईस्वी में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नेक की टीम आई हुई थी और मैं पूर्ववर्ती छात्र रहा हूँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का आचार्य कक्षा का, और उस नेक टीम के सामने विशेष व्याख्यान के तहत मुझे अपना शोध पत्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं जब वहाँ अपना शोध पत्र पढ़ा उस समय में भी आगे की भविष्यवाणी मैंने की कि अमुक समय में भूकंप आने का योग दिखता है, उस समय में भी भूकंप आया जो विभिन्न अखबार चैनल पत्रकारों ने प्रकाशित किए। उसके बाद ये मेरा शोध का कार्य जारी रहा। इस बीच मैं ऐसे ही पंचांग दिख रहा था, पंचांग किसी मुहूर्त के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो पंचांग से पूरा लगाव रहता है, तो देखा तो मैंने देखा कि 18 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक का जो समय है इस अवधि में पुनः भूकंप आने की संभावना है,
और मैंने अपने फेसबुक वाल पे लिखा और उसका केंद्र भी मैंने बताया। जितने बार मैंने भूकंप की पूर्वानुमान की तो वो उसका केंद्र कहाँ होगा इसका भी निर्धारण किया ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, और जो केंद्र का निर्धारण किया केंद्र भी वही बना। इस बार भी मैंने किया कि 18 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल के बीच भूकंप की संभावना है और इसका केंद्र पूर्वोत्तर होगा, और पूर्वोत्तर ही केंद्र हुआ ताइवान में, और भूकंप देखे गए। उसके बाद भारत में भी हिमाचल में भूकंप के आसार हुए और हिमालय हिम क्षेत्र जो है वो उत्तर में ही पड़ता है, और ऐसी संभावनाएं अभी भी बनी हुई है 26 तारीख तक कि हिमालय के तराई क्षेत्रों में भूकंप को केंद्र मान करके केंद्र होगा और आंशिक भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं, सरकार से क्या मांग रखते हैं राजनाथ? दरअसल मैंने इसके लिए कई बार पत्र भी प्रेषित किया बिहार सरकार को भी, भारत सरकार को भी। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आप मौसम वैज्ञानिक के एक विभाग है मौसम प्राकृतिक आपदाओं के लिए, उस तरह से अगर ज्योतिष विज्ञान के आधार पर भी प्राकृतिक आपदाओं को जानने के लिए एक शोध केंद्र की व्यवस्था हो, वेधशाला की व्यवस्था हो, तो हमारे यहाँ तो 34 शताब्दी से ये जो ज्ञान है मेरा, ये 34 शताब्दी में हमारे आचार्य लोग इतने जागरूक थे कि ये भूकंप आदि जानने की प्रक्रिया उनके पास थी। तो हम अपने वैभव, अपना जो हमारा भारत का ज्ञान वैभव रहा जिससे हम विश्व गुरु कहलाते थे, वो उस चित्र उस उन विषयों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, और इससे जनमानस को, राष्ट्र को, राज्य को, राष्ट्र राज्य क्या अपितु संपूर्ण विश्व को बचाया जा सकता है। अगर भूकंप का पूर्वानुमान हो जाए, पहले लोग जान ले, तो बहुत अवयव ऐसा हो सकता है जिससे लोग बच सकते हैं। आगे मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी कहीं भी आप संस्कृत विश्वविद्यालय हो या जहाँ भी, वैसे मेरी संस्था है ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान जिसके तहत हम शोध कार्य करते हैं, तो एक शोध केंद्र की समुचित व्यवस्था हो और उसमें एक टीम वर्क बना करके अगर शोध किया जाए तो भूकंप ही नहीं, भूकंप जैसे झंझावात, भूकंप, ओलावृष्टि, वृष्टि विचार, उसके बाद सुखार, दहार, बाढ़ इत्यादि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जिसमें बराहमिहिर, बल्लाल सेन इत्यादि जो आचार्य हुए हैं, संगीता भद्रबाहु संगीता, बृहत संगीता, अद्भुत दर्पण, अद्भुत सागर इत्यादि, जो मयूर चित्रक इत्यादि जी बहुत सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, इन आचार्यों के वचनों के आधार पर इन प्राकृतिक आपदाओं को पूर्व में ही जाना जा सकता है, और अगर पूर्व में इसका निर्धारण हो जाए, हम लोग जान लें, तो जनमानस की रक्षा हो सकती है और राष्ट्र का एक राष्ट्र के लिए एक एक वरदान हो सकता है। चलिए, तो क्या कुछ कहा ज्योतिष चार्ज राजनाथ झा ने, और आपने भी सुना, इनका कहना है जो सरकार अगर इन्हें एक कहीं ना कहीं मौका देती है या फिर इन्हें अनुसंधान करने का अवसर मिलता है तो ये पूर्व अनुमान लगा पाएंगे जिससे जनमानस को सुरक्षित और जनमानस के बीच जागरूकता फैलाई जा सकेगी, और जिनका कहना है जो ज्योतिष गणना के अनुसार ये आकलन करते हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होता है, सरकार से इनकी ग्रहण सटीक होता है, इनकी अनुशंसा है कि सरकार इनकी बातों को सुने, इन्हें मौका दें ताकि अधिक से अधिक जनमानस के लिए ये काम कर पाए, लोगों को जागरूक कर पाए। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने डायबिटी सहयोगी पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।